उत्तराखंड नियामक आयोग ने ऊर्जा निगम की बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि अपने घाटे की भरपाई करने के लिए ऊर्जा निगम ने 12% बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव उत्तराखंड नियामक आयोग को भेजा था, जिसका स्वराज सेवा दल लगातार विरोध कर रहा था। आयोग का फैसला आने के बाद स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि हम जनता के मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे। हरिद्वार से हर्ष तिवारी की रिपोर्ट। बिजली विभाग की दरों को बढ़ाने के लिए सरकार ने गुहार लगाई थी आयोग में, तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करी। हमने सरकार का विधानसभा सत्र का घेराव भी किया, हमने कोर्ट में भी बहस करी, और जिसका परिणाम ये निकला कि विद्युत की दरों को जो इन्होंने फाइल लगाई थी वो आयोग ने खारिज कर दी।